तो गोवा में आकर 2-3 दिन बीच पर चिल मारने के बाद आप गोवा में वाटरफॉल्स विजिट कर सकते हैं। अब आप पूछोगे कि गोवा में वाटरफॉल्स भी हैं, तो जवाब होगा डैम यस। और सिर्फ वाटरफॉल्स ही नहीं, और भी 4-5 हिडन प्लेसेस हैं जो मैं आपको इस वीडियो के एंड तक दिखाऊंगा। बट बिफोर दैट लेट मी रोल दिस इंट्रो फॉर द वेरी लास्ट टाइम। दिस इज गोवा, और गोवा का नाम सुनते ही सबके दिमाग में अलग अलग पिक्चर शुरू हो जाती है। वैसे तो गोवा जनरली बीच, बियर और बिकिनी, शूट और पार्टीज के लिए फेमस है। बट दिस टाइम आई एक्सप्लोर गोवा कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर अ होल मंथ। सो ब्रो आर्मी, लेट मी टेक यू ऑन अ वर्चुअल टूर टू द मोस्ट हिडन एंड ब्यूटिफुल प्लेसेस ऑफ गोवा। चूंकि वाइब कैसी है, तो वो है हमेशा की तरह चिल वाइब ब्रो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सॉरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मेरी गोवा की 1 महीने की ट्रिप का 2nd लास्ट दिन है। मतलब गोवा में दिन कैसे निकलते हैं बिल्कुल पता नहीं चलता कि डे क्या है, डेट कौन सी है, टाइम क्या हो रहा है। वैसे सुबह के 6 बज रहे हैं, और गोवा में सुबह 6 बजे कौन उठता है यार। मतलब इस टाइम तो लोग पार्टीज करके वापस आ रहे होते हैं, बट टुडे इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी। व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज शक्ति एंड यू आर वाचिंग ट्रैवलिंग मंडेज। सो टुडेज प्लान इज टू एक्सप्लोर अ वाटरफॉल व्हिच इज हार्विलेम वाटरफॉल। यस, मेरे को भी नहीं पता था कि गोवा में वाटरफॉल्स हैं, तो अब चलते हैं। इट्स ऑलमोस्ट अराउंड लाइक 1.5 आवर राइड फ्रॉम हियर, और मेरे साथ है मेरा भाई अंकित। Ready? Let's go. गाड़ी स्टार्ट कर दी गाइज। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक 8 AM और हम लोग अभी चाय के ब्रेक के लिए रुके हैं। Cheers. 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 वैसे तो हम वाटरफॉल के लिए कांडोलिम से बिचोलिम की तरफ जा रहे थे, लेकिन हमारे लोकल फ्रेंड रजत ने हमें एक प्लेस सजेस्ट किया, so we headed to that first. Alright guys, so we are heading to our first stop for the day, which is नमाज़गा। पुरानी मस्जिद है, इसके लिए थोड़ा जंगल से ट्रैक करना पड़ रहा है। Alright, it's a cloudy day today. बीच बीच में थोड़ी बहुत धूप आ रही है, but it's a bit cloudy. तो ये है नमाज का। पहली बार इसको देखते ही मेरे दोस्त अंकित ने बोला, नाइस लोकेशन फॉर अ फोटो शूट, जो कि एकदम सही बात है। बट एज वी एंटर्ड इन दिस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, वी सडनली फेल्ट अ स्ट्रेंज वाइब हियर। तो नमाज का एक इस्लामिक और पोर्चुगीज आर्किटेक्चर का एक ब्लेंड है। सो इट वॉज बिल्ट वे बैक इन 1683 बाय अकबर सेकेंड, द रिबेलियस सन ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब। लेकिन इससे आपको क्या मतलब है, आप इस मॉन्यूमेंट पर आकर यहाँ से सिटी का ये पैनोरमिक व्यू एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आई थिंक शाम के बाद तो नहीं आना चाहिए, काफ़ी जगह काफ़ी हॉन्टेड लग रही है। बट एनीवेज इन द डे टाइम इट्स गुड फॉर गेटिंग पिक्चर्स एंड सम ब्यूटीफुल सिक ड्रोन शॉट्स। यहाँ से ड्रोन शॉट सही आएंगे क्या वाला? ड्रोन शॉट? या ड्रोन शॉट, ओके। Thank you.
भाई लोग, आई होप यू एंजॉयड दिस शॉट. आई थिंक हमने ज़्यादा ओवरशूट कर लिया है, बट एनी वेज लव द वाइब. अब थोड़े लोग भी यहाँ पे आ गए, सूरज देवता भी आ गए. नाउ वी विल बी हेडिंग टू हावेलिंग वाटरफॉल एंड आई एम डैम श्योर दैट प्लेस इज सिक. All right, bro, Ami. So we have reached at the point जहाँ से कि हमें हावेलिंग वाटरफॉल के लिए ट्रैक शुरू करना है. और मतलब बहुत अलग फीलिंग आ रही है कि बहुत कम लोग होते होंगे गोवा में जो बागा, कैलंगूट, अंजुना से बाहर आके, इतना दूर आके किसी वाटरफॉल के लिए जाते होंगे. और यही है, जगह को अलग तरीके से, अलग पर्सपेक्टिव से एक्सप्लोर करना. गाइस, दूस साइड है वाटरफॉल और हमें पहले इसको क्रॉस करना पड़ेगा. And then the view will be nice. Let's go. And this is how we discovered Hawelin Waterfall. Guys, look at the waterfall! Woo! Which is 70 meters tall, scenic waterfall even in the months of October. Now, आपको दिखाते हैं कुछ यहाँ के नजारे in like 3, 2, and 1. Woo! I'm still out here tonight. Hey bro, what's your good name? Rehan Sheikh. Rehan Sheikh. तो आपने कितनी जगह पे हमारा पीछा किया? मैं सिंकेरिंग जाके आ गया, बाद में मैं बिचोलिम में ईदगाह के पास जाके आ गया, फिर भी आप नहीं मिले. यहाँ पर भी मैं एक बार आके जा चुका हूँ और अभी मैं फोर्थ अटेम्प्ट में आप मिल ही गए. Amazing bro. But it was really fun meeting bro Ami. So yeah, thanks for coming bro. Alright guys, by the end of this evening, now we have reached at Fontenas, which has beautiful houses in Portugal style. You can come here, you can get good pictures. So, थोड़ा सुबह सुबह आओगे तो थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगेगा. थोड़ा सनी होगा तो कलर्स विल कम ब्राइट. और अच्छे कपड़े पहन के आना, लाइक वेयर सम पेस्टल कलर्स, दे विल लुक गुड लाइक विद द बैकग्राउंड लाइक दिस. तो फॉन्टेनाज में दो इंस्टाग्राम बॉम्बिंग पिक्चर्स लेने के बाद वी वर डन फॉर दिस डे, बट नॉट फॉर माई गोवा स्टोरी. So now, taking you a few days back on this trip. कुछ दिनों पहले मैंने और अंकित ने हमारे लोकल गोवन फ्रेंड रजत के साथ कुछ आइलैंड्स को एक्सप्लोर किया. आगे की कहानी को एंजॉय करिए मेरे सिनेमैटिक स्टाइल और चिल वाइब्स के साथ. Let's do it. Alright guys, today is 29th of October. आज मेरी गोवा की ट्रिप ख़त्म हो रही है. And after being locked in indoors for almost like 6-7 months, this was such a beautiful and much needed break. मतलब कमरे में बैठना, केवल एडिटिंग करना, नॉर्थ ईस्ट कितनी सारी वीडियोज़,
और उसके बाद में यहाँ पे आके वाइड लैंडस्केप को देखना, इट वॉज सच अमेजिंग फीलिंग. मैं यही सोच के आया था कि मैं ज़्यादा शूट नहीं करूँगा क्योंकि आई वॉन्टेड टू इन्जॉय माई सेल्फ, आई वॉन्टेड टू गिव माई सेल्फ दैट टाइम टू फील ट्रैवल एक्चुअली. क्योंकि ट्रैवल ब्लॉगर्स के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि वो लोग शूट करते हैं, वो लोग एडिट करते हैं, दे एक्चुअली मिस आउट ऑन लॉट ऑफ मोमेंट्स. और ये क्वेश्चन मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार आप कहीं घूमने जाते हो तो अगर आप वीडियोज़ बनाते हो तो आप खुद कैसे इन्जॉय करते हो. सो आई काइंड ऑफ लिमिटेड माई सेल्फ दैट कब मैं शूट करूँगा, कब मैं केवल चिल करूँगा, ये मैंने डिसाइड कर लिया था सो दैट आई कुड एक्चुअली गिव यू दैट वाइब्स दैट आई फील माई सेल्फ फर्स्ट. सो दिस ट्रिप वॉज लाइक दैट. मैंने बहुत शूट किया, मैंने एडिट भी किया. आई लव्ड स्पेंडिंग दिस टाइम विद माई फ्रेंड अंकित एंड निशित. एंड 25 डेज आर गॉन and now I'm going back tomorrow to Jaipur. This is it for this Goa series. I hope you guys enjoyed this. Do not forget to share. We're almost close to 250k or maybe 300k by the time you will be seeing this video. So thank you so much guys for giving your support. Thank you so much for all of your comments, DMs and everything. I love you all. I see you guys in my next vlog. And keep chilling, keep enjoying and do not forget. Baba, you're beautiful. I mean, very beautiful. कुछ इस तरह वी सेड गुड बाय टू गोवा. और काफ़ी दिनों से आप लोग पूछ रहे थे कि मैं वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहा हूँ. तो यहाँ से बहुत दूर सही और गलत के पार एक बहुत ऊंचा पहाड़ है.